हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीनो विजय। तो आज हम बात करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रही है, आपको सुनने में आ रहा है, आपको देखने में आ रहा है कि मर्चेंट नेवी की रिक्रूटमेंट आई है जो कि 3571 पोस्ट के लिए आई है। तो इसके बारे में आज थोड़ा देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अप्लाई करना है और ये होता क्या है प्रॉपरली। चलो बात करते हैं। मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट 2023 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन इंडिया मर्चेंट नेवी। पोस्ट वेरियस पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 3571। और इसकी सैलरी भी इसमें दी हुई है, मैं आपको सब बताऊँ। आई नो यहाँ से विजिबल नहीं होगा, आप देख नहीं पा रहे होंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिविटी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो है 20 तारीख 10वां महीना 2023। और लास्ट डेट जो है 20 तारीख 11वां महीना 2023। और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट है जो कि दिसंबर 2023 में ही कंडक्ट कर होता है, या वो जो भी एकेडमी है वो कंडक्ट करेगी। और इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये 10th पास के लिए है। जैसे ही किसी कैंडिडेट ने 10th किया हुआ है तो वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो उसके लिए कोर्स होता है जीपी रेटिंग का। तो ये उस मैं ये चीज़ आगे बताऊंगा आपको सारी, आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए वीडियो। डेक रेटिंग, इसमें एज लिमिट बताई हुई है कि कितनी एज लिमिट चाहिए होती है। डेक रेटिंग 18 to 25 ईयर्स। इंजन रेटिंग 18 to 27 ईयर्स। सीमैन 18 to 25 ईयर्स। कुक 18 to 25 ईयर्स। मैस बॉय 18 to 25 ईयर्स। इलेक्ट्रिशियन 18 to 27 ईयर्स। इसमें ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी का क्राइटेरिया है जो आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जिसमें पोस्ट दी हुई है। जैसे डेक रेटिंग की 429 पोस्ट है, इंजन रेटिंग की 762 पोस्ट है, सीमेंट की 302 है, कुक की 1105 है, मैस बॉय की 657 है, इलेक्ट्रिशियन की 316 है। सो टोटल मिला के 3571 पोस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। टेक रेटिंग इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं अब क्या है। डेक रेटिंग के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी बात भी करते हैं हम। डेक रेटिंग के लिए इन्होंने मांगा 12th पास। इंजन रेटिंग के लिए इन्होंने मांगा 10th पास। सीमेन के लिए इन्होंने मांगा 12th पास। कुक के लिए 10th पास। मैस बॉय 10th पास। इलेक्ट्रिशियन 10th पास प्लस आई टी आई जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल आईटीआई होती है वो। इसमें सैलरी भी इन्होंने दी हुई है, दिखाई हुई है कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। टेक रेटिंग को सैलरी मिलेगी 25,000 पर मंथ। इंजन रेटिंग को मिलेगी 22,000 पर मंथ। सीमेन को मिलेगी 20,000 पर मंथ। कुक को मिलेगी 18,000 पर मंथ। मैस बॉय को मिलेगी 23,500 पर मंथ। इलेक्ट्रिशियन को मिलेगी 30,000 पर मंथ। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि एमसीक्यू बेसिस होगा 100 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ये तो इनकी डिटेल्स आप बाकी देख लीजिए। इसमें जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जनरल अवेयरनेस, साइंस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होंगे। एग्ज़ाम सेंटर वो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, इसमें डिटेल देखोगे, आपको सब पता लग जाएगा। बेसिकली हम बात करते हैं कि ये है क्या चीज़, मर्चेंट नेवी चीज़ क्या है। मर्चेंट नेवी बेसिकली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ITF, RPSL, मर्चेंट कंपनीज, यानी कि जो शिप्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, किसी सामान को इधर से उधर लेके जाती हैं, इस देश से दूसरे देश में लेके जाती हैं, तो वो सब आती हैं मर्चेंट नेवी के अंदर में। इसमें हर तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज, पर मर्चेंट नेवी ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकालती है। ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है सीलिन मैरिटाइम एकेडमी के द्वारा। सीलिन मैरिटाइम एकेडमी है जिसका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें इन्होंने इतनी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है बच्चों की,
और उसके बाद जैसे ही आप एग्जाम देते हो तो आपको कोर्स करना पड़ेगा इस एकेडमी में, इस एकेडमी के लिए निकाली गई है वो पोस्ट। तो जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, एक एक हिसाब से ये स्पॉन्सरशिप हो जाती है कि हाँ भाई कंफर्म जॉब कह सकते हैं हम। ये यूपी में है, सीलिन मैरिटाइम एकेडमी, उसका ये एग्जामिनेशन का है, एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें इन्होंने वेरियस पोस्ट दी हुई हैं और एग्जाम प्रोसीजर है। उसके बाद आपको वहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा जीपी रेटिंग, 6 महीने का कोर्स होता है जीपी रेटिंग। तो वो कोर्स के लिए ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं या फिर ये सारी रिक्रूटमेंट इन्होंने शो की हुई है। तो मर्चेंट नेवी ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम दोगे, 10th के बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया आप सीधे मर्चेंट नेवी या शिप पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो आप कंफर्म करके जाइए, अपने रिस्क पे जाइए। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, बिना कोर्स के आप किसी भी शिप पे नहीं जा सकते हो, आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, चाहे वो 6 मंथ्स का जीपी रेटिंग हो या फिर 12th के बाद आप बीटेक करते हो वो, या फिर GMU या ETO कोर्स होता है, या आपका कुक के लिए ये CCMC ऐसे कोई कैटरिंग का कोर्स होता है, तो वो कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं जिसके बाद ही आप जा सकते हो। बेसिकली अपना राजस्थान साइड में, नॉर्थ इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो फ्रॉड हो रहे हैं, बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो कैसे, वो फेक सब कुछ क्राइटेरिया या दिखा के आपको एडमिशन करवाएंगे कॉलेज में, और आपका आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे कैसे लटके रह जाएंगे, आपकी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहीं भी जाते हो आप पहले कंफर्म करके जाइए, सब कुछ कंफर्म करके जाइए। DJ शिपिंग वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे कोर्स आप मेंशन कीजिए तो उसमें लिस्ट आ जाती है DJ शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स की, उसके बाद आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। बिना चेकिंग के, बिना देखे आप कहीं मत जाइए, किसी किसी से सुन लिया, किसी ने बोल दिया, अभी ये सुन के आप चले गए, नहीं। पहले अपने आप श्योर कीजिए, अपने आप श्योरिटी से जाइए। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फर्दर फ्यूचर में आप मेरे से जुड़े रहें। आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। सो बेसिकली इस चीज़ के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगर इससे भी अलग कुछ आप डिटेल जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।